थ्री में ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे फाइंड द इंटीग्रल विद द विदिवे रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन इज टू टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देखो यहां इंटीग्रल का का है का है नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं रीजन कि जो जेड होगा माइनस फाइव भी होगा माइनस फोर भी होगा माइनस थ्री भी होगा सिमिलरली जो एक्स होगा वो तीन होगा चार होगा वाई उससे बड़ा होगा वाई जो होगा वो दो तीन चार उससे बड़ा होगा और डब्ल्यू फिर जीरो और जीरो से बड़ा होगा तो हम इस तरह के केसेस में क्या करेंगे कि एक्स को इस तीन को इधर ले आइए तो जो x माइनस थ्री मिलेगा उसको एक नया वेरिएबल कैपिटल x कर दीजिए तो ये जो कैपिटल x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्लियर है सिमिलरली टू को इधर ले आइए तो जो कैपिटल वाई हो जाएगा इसको वाई माइनस टू को हम कैपिटल वाई ले ले तो ये कैपिटल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा अगर हम फाइव को इधर कर दे तो जेड प्लस वन हो जाएगा जेड प्लस फाइव हो जाएगा और जेड प्लस फाइव इक्वल टू कैपिटल जेड ले लें तो जो कैपिटल जेड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और डब्लू को हम कैपिटल डब्लू ले लें तो कैपिटल डब्ल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इन सबको हम दोनों तरफ ऐड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा स्मॉल एक्स प्लस स्माल वाई प्लस स्मॉल जेट प्लस स्मॉल डब्ल्यू राइट हैंड साइड में आएगा कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू नाउ ये कितना है ये दिया हुआ है टेन सो इंटी सो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू टेन अंडर द रिस्ट्रिक्शन टू नॉन निगेटिव देखो यहां इंटीग्रल सोलूशन ऑफ द इक्वेशन कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z प्लस कैपिटल w इज इक्वल टू टेन तो इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोलूशन निकालेंगे तो आ जाएगा टेन आर चार है तो आर इक्वल टू फोर एन प्लस आर माइनस वन दट इजन प्लस फोर माइनस वन सी माइनस वन दाइनस 5 यहां दिख रहा है z जब 1 होगा स्मॉल z माइनस फोर z जब 2 होगा स्मॉल z माइनस थ्री जेड जब इसी तरह से 10 होगा तो स्मॉल जेड होगा फाइव सो so, इसका जो ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोलूशन जो इस इक्वेशन का देता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले इक्वेशन का इंटीग्रल सोलूशन मिलता रहेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सोलूशन ऑफ टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर टेन एक्स वाई जेड आर नॉन निगेटिव इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर शुड बी ग्रेटर टू जीरो तो हम क्या कि इस तरह के इक्वेशन में जीरो वाई प्लस जेड इसको वन डालें x के जगह तो y प्लस जेड एट एक्स की जगह टू डालें तो y प्लस जेड सिक्स एक्स की जगह थ्री डालें y प्लस जेड फोर एक्स की जगह फोर डालें y प्लस जेड टू और x की जगह फाइव डाल दिए तो y प्लस जेड जीरो प्लस जेड अगर जीरो होता है तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा दोनों जीरो सो ओनली वन सोल्यूशन क्या है x यहीं तक वेरी करेगा बाबू तो x का तो हमको मिल गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अब x अगर जीरो है तो y प्लस जेड बराबर टेन है तो y प्लस जेड इक्वल टू टेन का इंटीग्रल सोलूशन कितना होगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल टेन प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन इलेवन तो एक्स जब जीरो होगा ये इलेवन कॉम्बिनेशन इलेवन सोल्यूशन एक्स जब वन होगा तो वाई प्लस जेड इक्वल टू एट तो एट प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन दैट इज नाइन सोल्यूशन सिमिलरली एक्स जब टू होगा तो वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स तो सिक्स प्लस टू माइनस वन टू माइनस वन दैट इज सेवन सोल्यूशन सिमिलरली फाइव सोल्यूशन थ्री सोल्यूशन वन सोल्यूशन सबको एड कर दीजिए टोटल इज थर्टी सिक्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज कैन देअर टू गेट वन रूपीज बाई मीन्स ऑफ रूपीज क्वाइन फिफ्टी पैसा क्वाइन एंड ट्वेंटी फाइव पैसा क्वाइन बचपन में हम लोग ये गेम खेलते थे कि अगर आपके पास एक रुपया है पचास पैसा है और पच्चीस पैसा है पच्चीस पैसे का एक क्वाइन आता था पहले अब आना बंद हो गया है तो पचास पैसा भी बंद हो गया है तो उससे हम लोग कहते थे कि हमको एक रुपया लौटाना है आपके पास एक रुपया का क्वाइन है पचास पैसे का क्वाइन है पच्चीस पैसे का बहुत सा क्वाइन है कितने तरीके से आप लौटा सकते हैं तो हम लोग जोड़ते थे भाई कि चलो एक रुपया का एक दे देंगे एक तरीका यह हुआ दूसरा तरीका हुआ कि रुपया का नहीं देंगे दो तो पचास पैसा दे देंगे पचीस पैसा नहीं देंगे ये दूसरा तरीका हुआ तीसरा तरीका कि पचास पैसा का एक देंगे और पचीस पैसा का दो देंगे और चौथा तरीका है कि भाई पच्चीस पैसा का चार देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा वो यहां फोर आया? आया ना जब एन वन है एन टू होता है आगे हम देखेंगे तो ये नाइन होगा और टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर हम इसको जरा जनरलाइज़ कर हैं एन पे आ जाए कहा कि ठीक है क्वेश्चन वही है अब आपके पास पच्चीस पैसा का रुपया का रुपये का पचास पैसे का पच्चीस पैसे का ही क्वाइन है एन रुपया रिटर्न करना है कितने तरीके से करेंगे तो सबको पहले रुपीस स्क्वाइन बनाया जाए तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लें ले ले, एक्स नंबर ऑफ रूपी स्क्वाइन के लिए तो एक्स

तो यानी हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर एन इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोलूशन जो होगा वही मेरा आंसर होगा क्लियर तो हम ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं एक्स का वैल्यू डालो तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक तो जाएगा जीरो वन टू अप टू कहां जाएगा एन तक दिख रहा है क्योंकि एन पे फोर एन हो जाएगा और ये वाला चीज जीरो हो जाएगा तो जब एक्स जीरो होगा तो टू वाई प्लस जेड टू वाई प्लस जेड 2Y Z. ये तो टू वाई प्लस जेड अगर फोर होता है तो देखो कैसे पकड़ेंगे तो वाई जीरो से शुरू होगा वाई हो तो हो तो हो जो है वो जीरो से शुरू होगा और जाएगा कहां तक तो टू एन तक तो कितना सोल्यूशन होगा जीरो जब x वन हुआ तो ये टू वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा फोर एन माइनस टू फ्रॉम हियर ये हो गया वन तो ये फोर एन माइनस टू फोर एन माइनस फोर अगर फोर एन माइनस फोर होगा तो y कहां तक जाएगा जी y को देखो y जीरो से शुरू होगा कहां तक जाएगा टू एन माइनस टू तक सो so, जीरो से टू एन माइनस टू तक जीरो से टू एन माइनस टू तक तो टोटल सोलूशन क्या हुआ टू एन माइनस वन सिमिलरली आगे बढ़ते चलिए और जब ये एन जब x n होगा तो 2y आई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा और एक सोल्यूशन देगा देखो ये ऑड नंबर्स है दिख रहा है कंजीक्यूटिव ऑड नंबर्स कंजीक्यूटिव ऑड नंबर्स कितना ऑड नंबर्स है एक तीन पांच ऐसे आते आते हैं टू एन प्लस वन तक आएगा तो कितना है नंबर में कितना है तो नंबर यहां दिख रहा है देखो नंबर ऊपर दिख रहा है यहां से लेके यहां तक एन और एक और तो एन प्लस वन ऑड नंबर तो एन प्लस वन कंजीक्यूटिव ऑड नंबर का सम कितना होता है एन प्लस वन का होल स्क्वायर सो है एन का वैल्यू डालते जाओ और तुमको ये रुपीज रिटर्न होता जाएगा तो so, हम इसके पहले वाले क्वेश्चन बोले एक रुपया चाहिए so, N 1 तो एन का जगह वन डालते हैं तो टू का स्क्वायर फोर और आंसर आया था फोर दिख रहा है यहां फोर बेस एन इक्वल टू वन पे एन इक्वल टू टू पे यहां yeah, टू डालते हैं एन प्लस वन में टू डालते तो थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन बेस क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल सोलूशन ऑफ इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ट्वेंटी फिर यहां टू एक्स है तो x का वैल्यू डालो तो x का वैल्यू हम जीरो वन डाले टू डाले, डाले तक जाएगा टेन तक दिख रहा है क्योंकि टेन पे हो जाएगा ट्वेंटी तो ये y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा जीरो तो x जब जीरो ट्वेंटी तो सोल्यूशन कितना? ट्वेंटी प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन सो ट्वेंटी टू सी टू सिमिलरली हो जाएगा ट्वेंटी सी टू एटीन सी टू अपू टू सी टू इन सबका सम ही होगा इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल तो सबको जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो हम जोड़ना शुरू किए यहां है टू सी टू फोर सी टू सिक्स टू ट्वेंटी टू सी टू देखो ये वेरी कर रहा है ऊपर वाला तो इसको ऐसे लिखते हैं आर वेरी फ्रॉम वन टू इलेवन टू आर सी टू आर वन डालेंगे पहला टर्म आर टू डालेंगे प्लस साइन है समेशन है तो प्लस देंगे फिर आर टू डालेंगे दूसरा प्लस साइन डालेंगे आर थ्री डालेंगे तीसरा और आर जब इलेवन डालेंगे तो अंतिम वाला इसको हम फैक्टोरियल में अगर तोड़ते हैं टू आर से टू को तो आएगा टू आर टू आर माइनस वन बाई टू ये टू टू कैंसल सो इट इज टू आर स्क्वायर समेशन वन टू तो इलेवन आर समेशन वन टू तो इलेवन समेशन लगा दीजिए नाइन फोर्टी सिक्स क्लियर है सो जब ऊपर वाला वेरी करता रहेगा ये और नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा तो इस पर समेशन लगा दीजिएगा और समेशन लगा के इसको जो भी आएगा जैसे यहां टू आर से टू आया है तो इसको फैक्टोरियल में तोड़िएगा ऐसा टू आर फैक्टोरियल टू आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल तो ये क्या दे देगा आपको ऊपर टूटेगा टू आर टू आर माइनस वन और टू आर माइनस टू का फैक्टोरियल और नीचे मिलेगा टू आर माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू सो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपको ये देगा टू आर माइनस टू आर इंटू टू आर माइनस वन बाई टू क्लियर है नेक्स्ट फाइंड इंटीग्रल सोलूशन नॉन निगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी तो ये कह क्या रहा है सो देखना हम यहां पर एक auxiliary ये कह क्या रहा है कि आप सॉल्व करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू ट्वेंटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू नाइनटीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एटीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू सेवेंटीन तो ये लेस देन ट्वेंटी है तो घटाते घटाते नॉन निगे, निगेटिव इंटीग्रल सोल्यशन कर रहा है तो आना कहां तो तक होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो तक यानी जीरो से शुरू करना है जीरो जब जीरो हो इसका इक्वल तो टू एक, जीरो से लेके बीस तक इक्कीस सॉल्व करना होगा तो हम इक्कीस इक्वेशन सॉल्व करने के जगह हम क्या करते हैं कि एक नया वेरिएबल आर्बिट्ररी वेरिएबल टी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया प्लस टी अब देखो क्यों इंट्रोड्यूस किया जब t जीरो होगा तो हम सॉल्व कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ट्वेंटी जब t वन होगा तो हम नाइनटीन वाला सॉल्व कर रहे होंगे जब t टू होगा तो हम एटीन वाला सॉल्व कर रहे होंगे जब t ट्वेंटी होगा तो हम जीरो वाला सॉल्व कर रहे होंगे तो जो हम सॉल्व करेंगे जो हम जो हम इक्कीस इक्वेशन चाह रहे थे वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा कैसे अगर हम इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल लें क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन में क्या होगा टी जो वेरी करेगा जीरो से लेकर ट्वेंटी तक वेरी करेगा जो यहां कर भी रहा है तो इसका इन नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है तो सीधे इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल लीजिए तो इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितना हो जाएगा 20 प्लस फाइव माइनस वन सी फाइव माइनस वन दैट इज ट्वेंटी फोर सी फोर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच सेवन आइडेंटिकल डायमंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग फोर प्रिंसेस चार प्रिंस के बीच सात आइडेंटिकल डायमंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है पहला है नो कंडीशन नो कंडीशन का मतलब यह हुआ ये भी है कि किसी प्रिंस को कोई डायमंड ना मिले तो किसी प्रिंस को हो सकता है कि कोई डायमंड ना मिले तो वह क्या करेगा कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यानी कि इम्पटी बॉक्सेस तो हमारे पास चार में डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी बॉक्स हमारे पास चार है यानी आर इज फोर एन इज सेवन तो सेवन प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन दैट इज टेन सी थ्री इफ ईच गेट एट लीस्ट वन डायमंड तो हमको क्या करना या ईच गेट एटलीस्ट वन डायमंड कम से कम एक डायमंड एक आदमी को मिले तो वही केस हो गया इमटी बॉक्स नॉट अलाउड कि कम से कम एक बॉक्स में एक ए चला है तो हम क्या करेंगे एक एक डायमंड चारों प्रिंस को दे दो तो चारों प्रिंस को एक एक डायमंड दे दिए डायमंड कितना बच गया डायमंड लेफ्ट थ्री प्रिंस कितना है अभी विचार तो फोर प्लस थ्री माइनस वन सी फोर माइनस वन डेट मीन सिक्स सी थ्री क्लियर है नेक्स्ट कहा कि इफ यंगेस्ट प्रिंस गेट एट लीस्ट थ्री डायमंड्स ठीक है तो जो सबसे छोटा प्रिंस है उसको कम से कम तीन डायमंड चाहिए तो भाई उसको तीन टू डायमंड दे दो अब डायमंड कितना बचा चार प्रिंस कितना बचा चार क्योंकि बाकी प्रिंस पे कंडीशन नहीं है हो सकता है बाकी को ना भी मिले तो अब हम आप चार डायमंड बचा है चार बॉक्स हमारे पास है जैसे मन वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार डायमंड प्लस चार प्रिंस एन इज फोर आर इज फोर माइनस वन सी माइनस वन दैट इज फोर माइनस वन सेवन सी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच टेन आइडेंटिकल डायमंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग पी क्यू आर एस फिर से वैसे ही है अब दस डायमंड है चार क्रिंस की जगह फिर पी क्यू आर एस आ गया है तो दस डायमंड है चार आदमी है अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंडीशन हम आगे अलग अलग लगाते चलेंगे तो पहला है नो कंडीशन नो कंडीशन दैट मीन्स एन कितना है एन इज टेन आर इज फोर कंडीशन कुछ नहीं बॉक्स टेन प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस पी क्यू आर एस तीनों को दे दिए एक डायमंड डायमंड तो कितना बच गया छ अभी भी पी क्यू आर एस है ये चार तो सिक्स प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन दाइन सी थ्री अब नेक्स्ट है एटलीस्ट टू डायमंड टू ई कम से कम दो डायमंड सबको चाहिए भाई तो दो दो सबको दे दो तो दो दो सबको सब को दे दिए दस गो डायमंड था तो डायमंड कितना बच गया दू अभी भी आदमी चार तो चार प्लस दो यानी दो प्लस चार माइनस वन सी चार माइनस वन दट इज फाइव सी थ्री क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ कंटेन सिक्स सेपरेट कंपार्टमेंट एक सेल्फ है उसमें छ डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ट्वेल्व अलाइक डायमंड कैन बी प्लेस्ड इन द सेल्फ सो दैट अब देखो यहां क्या कहा हमारे पास डायमंड है ट्वेल्व बॉक्स कितना है छि छमेंट है नंबर ऑफ डायमंड टेल्व है नो no कंडीशन एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन दैट इज ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस वन सी सिक्स माइनस वन दट इज सेवनटीन सी फाइव अब ये क्या है? ये कह रहा है कि इफ नो कंपार्टमेंट कैन रिमेन्स इम्पटी वही इम्पटी बॉक्स आर नॉट अलाउड तो सारे कंपार्टमेंट में एक एक ठो डायमंड डाल दो तो सारे कंपार्टमेंट में एक एक डायमंड अगर हम डालेंगे तो डायमंड कितना बचेगा हमारे पास शुरू में था बारह डायमंड कंपार्टमेंट छमेंट कंपार्टमेंट में एक एक डायमंड डाल दिए डायमंड बच गया छे और अभी भी कंपार्टमेंट कितना बचा छे तो सिक्स प्लस सिक्स माइनस वन सी सिक्स माइनस वन दट इज इलेवन सी फाइव नेक्स्ट कोका कोला कंपनी जो है दैट मीन्स कोक ऑफर कोल्ड ड्रिंक ऑफ टेन डिफरेंट वेराइटीज कोक ऑफर्स कोल्ड ड्रिंक ऑफ टेन डिफरेंट वेराइटीज कोल्ड ड्रिंक ऑफ ईच वेराइटीज इज आइडेंटिकल दस वेरायटी का कोल्ड ड्रिंक है वही दस वेरायटी का इनफाइनाइट लॉट है ऑरेंज फ्लेवर इनफाइनाइट लॉट लेमन फ्लेवर इनफाइनाइट लॉट कोक फ्लेवर इनफाइनाइट लॉट ऐसा दस वेराइटी इनफाइनाइट लॉट है तो इन हाउ मेनी वेज फोर कोल्ड ड्रिंक कैन बी सेलेक्टेड हम चार कोल्ड ड्रिंक कैसे सेलेक्ट करेंगे पहला है नो कंडीशन दूसरा है एटलीस्ट टू कोल्ड ड्रिंक ऑफ द सेम वेराइटी चलो नो no कंडीशन पे आते हैं पहले तो कहा क्या रहा है कि हमारे कोल्ड ड्रिंक के लिए वेरिएबल दे दिया x1 x2 x3 x10 ये मिला के कितना होना नहीं चार। नो no कंडीशन तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो 4 plus 10 minus 1 c 10 minus 1 r इज 10 एंड इज 4 तो 13 c 9 अब क्या कहा कि कम से कम एटलीस्ट टू कोल्ड ड्रिंक ऑफ द सेम वेराइटी तो टू कोल्ड ड्रिंक ऑफ द सेम वैरायटी हमको देना है तो हम क्या किए कि जितना हमारे पास था टोटल टोटल हमारे पास विदाउट कंडीशन कितना आया थर्टीन सी नाइन इसमें से हम सब कर दिए देखो क्या सब्रैक्ट करें सेलेक्ट एनी फोर वेराइटीज कोई चार वेरायटी हम सेलेक्ट किए ऑफ कोल्ड ड्रिंक आउट ऑफ टेन वेराइटीज समझ में आया क्या किए कम से कम दो मांगा था एटलीस्ट टू तो सब में से एक वेराइटी चूज कर लिए वन वन, तो वन, 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 चार वेरिएबल वन, वन 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 बाकी सब जीरो। तो दस में से चार सेलेक्ट करके घटा दिए अपने आप ऑटोमेटिकली एटलीस्ट टू मिल जाएगा टू मिलेगा थ्री मिलेगा फोर मिलेगा अपने आप मिलेगा सो वन वाला केवल घटा देना है समझ में आया एक्स वन वन एक्स थ्री वन एक्स फाइव वन एक्स टेन वन दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल दस वेरिएबल है ना ये एक 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 करके चार हो यानी चार उसमें से इन दस से चार जो हो एक 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 हो जाए अगर चार एक एक हो एक हो गया तब देखो क्या क्या सोल्यूशन इसका मिल सकता है सब मिलकर के चार ही देना है तो जो सबसे मिनिमम सोल्यूशन मिलेगा सबसे मिनिमम वो हो होगा चारों में एक एक एक, एक चार उसके बाद बनेगा टू वन वन तो टू वन वन जैसे ही आएगा तो एटलीस्ट टू कोल्ड ड्रिंक ऑफ सेम वेरायटी हो जाएगा हो जाएगा ना तो इसलिए जो जो 1 -1 -1 -1 -1 जो आ रहा है इसी को घटाना है तो टेन में से चार सेलेक्ट कर लिए टेन जो वेरायटीज था उसमें से चार वेरायटी सेलेक्ट किए और टोटल जो नो कंडीशन वाला था उसमें से घटा दिए तो अपने आप मिल गए क्लियर है नेक्स्ट इज फाइन नंबर ऑफ वेज इन विच टू अलाइक एपल्स दो एप्पल आइडेंटिकल थ्री अलाइक ऑरेंजेस तीन लाइक ऑरेंजेस और फोर अलाइक मैंगोज चार मैंगो अलाइक मतलब कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पी क्यू आर पी क्यू आर तीन लोगों में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री पॉक्स ऑब्जेक्ट दिख रहा है दो एक तरह का तीन एक तरह का चार एक तरह का सच दैट ईट चाइल्ड कैन रिसीव नन वन एनी और ऑल नंबर ऑफ रूट्स जीरो भी ले सकता है एक भी ले सकता है सारा भी ले सकता है ठीक है तो हम क्या किए तीन बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये दो को ये दो है ना तो इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोलूशन निकालो तो टू प्लस थ्री माइनस वन से थ्री माइनस वन तो इसमें क्या क्या सोल्यूशन मिलेगा ये दो का दो भी कितना सोल्यूशन आएगा समझ रहे हैं ये दो जीरो जी, समझे रहे? दो जीरो वन वन ये सारा सोल्यूशन ऑल इंटीग्रल सलूशन इसका ये देगा इनटू ये थ्री हो गया थ्री प्लस थ्री बॉक्स माइनस वन सी थ्री माइनस वन, वन. ये क्या कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ए इन थ्री चाइल्ड कैन रिसीव कैन रिसीव नन वन एंड ऑल ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री ओ इन थ्री चाइल्ड सच डेट कैन रिसीव नन वन ऑल और यह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर मैंगोज इन थ्री चाइल्ड कैन रिसीव नन वन और यह जो टोटल नंबर ऑफ बेज होगा वो हो जाएगा फोर सी टू इसका वाला फाइव सी टू इसका इंटू सिक्स कह रहा है सो देखो इसका अलग अलग सोल्यूशन आएगा जिसका इसका सोल्यूशन आया मान लो हम ए को ले लिये दो तो उस समय क्या होगा यह वाला होगा जीरो मान लेते हैं और ये हो जाएगा वन थ्री बॉक्सेस अच्छा और, और कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है सॉरी 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 तो ये ऑल कॉम्बिनेशन इसमें चला आएगा दिख रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि कैन रिसीव नन वन एनी वन और ऑल फ्रूट्स यानी इसका जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है और ऑल भी हो सकता है इसी तरह इसका वन जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है ऑल भी, भी हो सकता है तो करस्पॉन्डिंग टू दिस ऐसे समझना इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टाइप का अगर हम इसमें से जीरो ले, वन ले या ऑल लें तो उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड को भी हम जीरो वन ऑल ले सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंग टू ऑल दिस केस थर्ड को भी हम जीरो वन ऑल ले सकते हैं क्योंकि हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिए दिख रहा है इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन किए दो एक तीन गो एस में जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो उसके पास क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है नॉन वन ऑल लिखा हुआ है तो कोई कंडीशन नहीं है कि तीन बॉय कितना फ्रूट लेगा डिस्ट्रीब्यूट करें करस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज इसका ऑल इंटीग्रल सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जो बॉयज है वो ऑल कॉम्बिनेशन को ले लेगा जैसे इस तीनों का मान लो जीरो, जीरो 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 आता तो इसी से आएगा जीरो 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 इसको कुछ ना मिले वन 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 ये मिल जाए फिर एनी कॉम्बिनेशन इसको ऑल मिल जाए मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन वॉइस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वेशन एक्स वाई जेड बराबर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री का क्यूब फाइव का फोर यानी फिर वही क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज सेम एज जस्ट एब ये दो ए है ये तीन ओ है और ये चार एम है और ये तीन बॉयज है उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये ना होगा इसका पॉजिटिव इंटीग्रियल कि इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए थ्री बॉयज में ठीक है तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा फिर भाई टू ए प्लस थ्री बॉय माइनस वन सी थ्री माइनस वन इन टू थ्री ओ थ्री बॉय माइनस वन सी थ्री माइनस वन इन टू फोर एम प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोलूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस ऑल कॉम्बिनेशन जिसमें नॉन एन जीरो भी हो सकता है इसका होने का मतलब power zero. और फिर ये सबका प्रोडक्ट तो ऑल इंटीग्रल सोलूशन जो आएगा वो ऐसा आएगा मतलब ये वन ये ये वाला के वाला ये पूरा ये मतलब जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सब ये दे देगा क्लियर